तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी की तरफ से होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, व्हाट इज स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड? वैसे तो ऑफिशियली चार ही राउंड होते हैं, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री विच इज मोपअप एंड राउंड फोर विच इज स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी अगर कुछ एमबीबीएस या बीडीएस या नर्सिंग सीट्स या गवर्नमेंट सीट जो है वैकेंट रह जाती हैं, वैसे होता यह बहुत कम है पर फिर भी, बिकॉज स्टेट लेवल काउंसलिंग्स में कई बार क्या होता है कि लेट तक होती रहती है और कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे कि बिहार जिसका काउंसलिंग अभी तक चली रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग हो जाती है और कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कैसे होती है। तो वो जो बची हुई सीट्स हैं लास्ट में हर कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में है, जिस भी कोर्स में हो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, तो उन सीट्स को भरने के लिए एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाना पड़ता है, बिकॉज वैकेंट सीट नहीं रखी जा सकती, उनको फिल आउट करना ही होता है। सो जैसे नीट 2023, नीट 2023 के अंदर भी ये हुआ है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाना पड़ा था, बिकॉज स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी सीट्स वैकेंट रह गई थी बिकॉज कुछ स्टेट्स के वजह से, और इस बार बिहार ने ऐसा काम कर दिया है, राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है और आईपी ने भी ऐसा कर दिया, मतलब लेट हुए हैं ये, अपने शेड्यूल से बहुत आउट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, उनको भरने के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया का करवाना पड़ेगा। तो क्या अभी भी आपका चांस है? तो अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं, मतलब अगर आपके मार्क्स 650 हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका चांस बन सकता है। ओबीसी के लिए भी सेम मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया है 645 तक जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आर पार ही डाउनफॉल हो जाएगा, बिल्कुल 100 मार्क्स कम पे मिल जाएगा, कट ऑफ इतना डाउन जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला, बिकॉज नंबर ऑफ सीट 50 और 100 के बीच में रहने वाली है, 50 प्लस होंगी और 100 से कम होंगी, एग्जैक्ट एक नंबर बताना मुश्किल है अभी। कब आएगा इसका अपडेट एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर? जब सारी स्टेट्स की स्टे वैकेंसी राउंड या जो भी फाइनल राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद वो अपना जो डेटा है वो शेयर करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग से, कौन कौन से बच्चे हमारे स्टेट से अब एडमिशन ले चुके हैं, और ताकि वो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट ना कर सकें, ताकि फिर से सीट ब्लॉकिंग ना हो, सीटें ख़राब ना हो, और ऐसा होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि काउंसलिंग एंड होने का मतलब होता है कि काउंसलिंग हो जाए, कॉलेज मिल जाए, रिपोर्टिंग हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो ये सारे प्रोसेस होंगे, सारी स्टेट्स के कवर हो जाएंगे, तब जाकर ऑल इंडिया एक अपडेट दे सकता है, नंबर ऑफ सीट्स काउंट होने के बाद एक अपडेट देगा। तो जब भी वो अपडेट आएगी मैं आपको यहाँ से अपडेट कर दूंगा, ठीक है? तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आप उस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का वेट करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे? जो मैंने कट ऑफ बताई इसके आसपास है तो वेट कर लेना, इससे नंबर अगर आप 10 नंबर 5 नंबर भी कम है तो वेट मत करना, मूव ऑन हो जाना, अगर कुछ और करना चाहते हो कुछ और करो, ड्रॉप लेकर पढ़ना चाहते हो तो ड्रॉप लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 177 डेज बचे हैं आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नीट 2025 में, 6 महीने मान सकते हो आप, खैर एग्जैक्टली। और अगर पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचा है तो वो करो, मतलब जो है बस करने में लग जाओ, अगर मान लो 600 मार्क्स है सोच लो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कहानी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है आपको। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये मैं ज़रूर दूंगा इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है इस चैनल को एज ए मेंबर, या सब्सक्राइब करके रखो, सबसे इजी तो यही है, लाइक करो वीडियो को, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, लिंक चाहिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेरा पर्सनल दावेके सिंह के नाम से जो है, वो सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर जोड़ सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में मैं वहाँ पर डालता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और मैं लाइव भी आता हूँ वहाँ पे, जैसे यूट्यूब पर आता हूँ, तो आप वहाँ भी मेरे को लाइव डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में।